हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल पे देखा कि हीरो एक्सट्रीम 125R को हम क्यू सेगमेंट बेस्ड कह रहे हैं, मतलब 125 सीसी की सेगमेंट में जो सारी बाइक्स आती है उन बाइक से क्या ये बाइक आगे है, किन किन चीज़ों से आगे है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। उससे पहले गाइस बता दूं कि अगर आपको इस बाइक हीरो एक्सट्रीम 125R की अगर डिटेल्स जाननी है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लो। सो गाइस, इस बाइक की तरफ नज़र जाने की जो सबसे फास्ट पॉइंट है वो है ABS, जो इस सेगमेंट की किसी भी बाइक में आपको नहीं मिलता। और गाइस, 2024 की शुरुआत में ABS दे के बाइक, 125cc बाइक में ABS दे के गाइस सिर्फ राइडर्स को चमकाया नहीं है, उन्होंने बाकी सारे ब्रांड्स को भी चमकाया है। बाकी गाइस, जितना मेरी नॉलेज है, बस आपको KTM Duke 125 में आपको ABS मिलता है। लेकिन वो बाइक 125cc सेगमेंट में होते हुए भी प्राइस रेंज के बहुत बाहर है, इसलिए हम इसे इस सेगमेंट के अंदर नहीं रखेंगे। सो गाइज, अब बात करते हैं लुक्स की। तो गाइज, ये बाइक काफ़ी इंस्पायर्ड है कावासाकी Z1000 और डुकाटी स्ट्रीट फाइटर से। तो गाइज, काफ़ी फ्रंट सेक्शन और जो टेल सेक्शन है और बाइक भी काफ़ी बल्की लगता है, तो बहुत ही अच्छा लुक है, एक स्पोर्टी नेकेड नेचर का है। लगता ही नहीं है कि एक 125cc बाइक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट गाइज, इस बाइक में आपको फुल LED सेटअप मिलता है, कम्प्लीट LED लाइट सेटअप मिल जाता है। फ्रंट से लेके टेल तक जो भी लाइट्स है वो आपको कंप्लीट LED सेटअप में मिलते हैं, जो बाकी इस सेगमेंट के किसी भी बाइक में आपको नहीं मिलता। अब गाइज, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो गाइज, ये बाइक 11.4 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है, जो राइडर और होंडा SP से थोड़ा ज़्यादा है। एंड इस बाइक में आपको 115-120 किलोमीटर पर आवर तक टॉप स्पीड देखने को मिलता है, और साथ में माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। सो गाइज, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो गाइज, इस बाइक में आपको रियर में 120 साइज के टायर मिलते हैं, जो इस सेगमेंट के किसी भी बाइक में नहीं मिलता। बाकी सारे बाइक्स में आपको 100 या 110 सेक्शन के बाइक टायर्स मिल जाते हैं, लेकिन 120 साइज के टायर सिर्फ इसी बाइक में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, सस्पेंशन। गाइज, फ्रंट में इस बाइक में 37mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जो वाइडर सस्पेंशन इस बाइक में मिलता है वो सेगमेंट के किसी भी बाइक में नहीं मिलता। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, डिस्क साइज। इस बाइक में आपको 276mm का डिस्क साइज मिलता है, जो कि किसी और बाइक में नहीं मिलता। 240mm का ज़्यादातर बाइक में मिलता है आपको। सो गाइस, इतना अच्छा लुक, इतनी सारी स्पेसिफिकेशन के साथ ये बाइक जो 2024 में आपको मिल रहा है, ये इस सेगमेंट में किसी भी बाइक में नहीं मिलता, और इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है। सो गाइज, ये बाइक बहुत ही अच्छा है और प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। पर्सनली गाइज, ये बाइक मुझे बहुत पसंद है, और इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा बाइक नहीं मिलने वाला। दैट्स वाई आई कॉल्ड इट द सेगमेंट बेस्ट बाइक। सो गाइज, अगर आपको ये बाइक अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और जो भी चैनल पे नया है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके गाइज शेयर करो। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।